गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम लोग बनाने वाले फिर से वेट स्प्रे। मतलब नहीं आपको कैसा अच्छा लगेगा कि नहीं, मैंने इसका पार्ट वन डाला था जो उसमें मैंने टोटल एक्सप्लेन कर लिया था कैसे बनाते हैं, वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पर ये पार्ट टू है क्योंकि उसमें मैं इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया जितना इस वीडियो में किया हूँ। इसके लिए मैं इसको अपलोड करने जा रहा हूँ और मैं बनाने जा रहा हूँ फिक्सिवेटिव स्प्रे। तो इसके लिए आपको लेना है एक गम। ओके, 5 रुपये का मिलता है फेविकॉल, सिंपल था। वही लेना है आपको 5 रुपये का फेविकॉल। और तो मतलब जो मैंने अभी नया नया ड्राइंग बनाया, आपने नहीं देखा तो जाके देख लेना, क्योंकि उसका ये ड्राइंग के लिए हम लोग को फिक्सेटिव स्प्रे भी चाहिए रहता है। मैंने ये ड्राइंग बनाया था तो इसके लिए मेरे को फिक्सेटिव स्प्रे चाहिए। ओके, क्योंकि ये सॉफ्ट पिस्टल से बना है। आपने सॉफ्ट पिस्टल का अनबॉक्सिंग नहीं देखा तो जाके देख लेना। तो गाइस, अभी भी लगा है थोड़ा थोड़ा, आपको कोने से करके बताता हूँ तो ज़्यादा डार्क है गाइस, अभी भी लग रहा है। ओके, इसके लिए मैं इसको ऐसे ही रखा रहा बहुत टाइम से, देख सकते हो गाइस, फिर सब बाहर निकल गया, कलर स्प्रेड हो गए। तो इसके लिए मैं इसको बना रहा हूँ। और जब भी मैंने देखा, जब भी पहले मैं देख रहा था कि होममेड फिक्सेटिव स्प्रे, ऐसे ही मैंने सर्च मार दिया था तो उसमें दिखा गम और पानी मिला के बनता है अपना ये फिक्सेटिव स्प्रे। मालूम नहीं 300 रुपये का है गाइस वो। तो इसके अच्छा घर पे बना ले, अगर ये फेल हुआ तो बेकार, अगर नहीं फेल हुआ तो अच्छा यार, यो 300 लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा ना। ओके, तो अभी हम लोग बनाना शुरू करते हैं। तो हम लोग को चाहिए एक ये, इसका ढक्कन भी है। और आपके पास ऐसा कोई स्प्रे टाइप का बाटली रहेगा, मैंने ये कुछ दवाई था इसके अंदर उसमें से निकाला है और आप देख सकते हो मैंने साफ किया है। ओके, तो हम लोग उसको निकाल लेंगे। अभी इसके अंदर पानी नहीं भरा हुआ है, सिंपल से मैं पानी भी भर के दिखाऊंगा गाइस, फुल एक्सप्लेनेशन विथ यूजेस। ओके, तो इसका हम लोग आगे देखेंगे भी कैसे होगा। तो मैं पानी भर दे रहा हूँ, मालूम में थोड़ा गिरेगा, इतना बहुत है, छोड़ो। थोड़ा पेपर लेके मैं इसको बोल दे रहा हूँ क्या गिल्ला ना रहे। हाँ, तो ये हो गया। तो इसके अंदर हम लोग गम डाल देंगे और क्या, ओके। तो आप लोग इसको डालते हुए देखिएगा, बहुत मस्त लगता है क्योंकि मैंने पहली बार डाला था तो मेरे को सच में बहुत ही मजा आया था। तो आप लोग इसका टोटली देखिए, मैं बता दे रहा हूँ अच्छा लगेगा आपको। डायरेक्ट यहाँ पे फोकस करना, ओके, डाल जहाँ पे डालना उधर नहीं करना, ये तो फोकस नहीं रहेगा। जहाँ पे मैं डालना वहाँ पे, ओके स्टार्ट। देख सकते कैसा रस्सी टाइप निकल रहा है यार, यूनिक लगता है, एकदम अलग ही लगता है कुछ। अरे है, ऐसा लग रहा है कोई एसिड डाल रहा हूँ, कुछ सही है। पूरा नीचे उड़ दिया हूँ, चलो हो गया, छोड़ो। तो एक गम डाल दिया मैंने, ओके। हम लोग इसको बंद कर देते हैं अभी फिलहाल तो। हाँ, तो वैसे ही हम लोग का बन गया है फिक्सेटिव स्प्रे। नीचे देख सकते हो, तो हम लोग इसको मिक्स कर देंगे। तो इसको मतलब अनलिमिटेड शेकिंग, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा इसको शेक करने का था।
पूरा वाइट हो गया है, आप जैसा देख सकते हो, पूरा एकदम गोरा गोरा। फिक्सिवेटिव स्प्रे गोरा होता है कि वो नहीं मालूम, क्योंकि वो मैंने अब तक नहीं लिया है। तो ये अब तक मैंने तो लिया नहीं है, क्योंकि वो 300 रुपीज़ का मिलता है। तो गाइस ये फिक्सिवेटिव स्प्रे बन गया, अभी वो 300 का आता है, उसमें गम डाल के बनाते हैं, वो तो नहीं मालूम मेरे को। तो इसका भी टेस्ट कर लेते हैं इसके ऊपर। शायद से टोटली मिक्स हो चुका है, कितना मिक्स करूँगा। तो उसको मैं ये ला देता हूँ और इसको देख लेते हैं अभी, उसके ऊपर निछावर कर देता हूँ मैं। तो ये मैं टेस्टिंग के लिए एक कॉटन बड ले लेता हूँ अभी, एक मिनट। तो गाइस मैंने कॉटन बट ले लिया है दो। पहला कॉटन बट है टेस्ट करने के लिए कि इसमें आ रहा है कि नहीं। ओके तो गाइस इसमें देख सकते हो, लगा हुआ है। ओके तो इसमें मैं सरा इसको मारने के बाद मैं इसमें टेस्ट करने वाला हूँ। तो इसके बाद में तो ओके तो ये मैं डाल दिया। पहले जैसा लग रहा है कि नहीं वो तो नहीं मालूम, पूरा वाट लग गया है, पूरा गिल्ला गिल्ला हो चुका है। तो दिखाऊं तो ये देखो, मतलब सत्यानाश हो गया ड्राइंग का। तो ये सही होगा कि नहीं क्या मालूम, इसमें लिखा था कि सुखाने को रख दें इसको, तो रख देते हैं अभी, पूछ दूं मैं पहले। पूरा आजू बाजू सब जगह हो चुका है यार। तो अब तक आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि ये ऐसा फालतू एक्सपेरिमेंट आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने घर पे यही से देख लो, ये 100% रियल है, आप यहीं से देख लो। और बस अगर सही निकला तो करो, अगर नहीं निकला तो मत करो, और क्या आपको ऑर्डर ही करना पड़ेगा। वो पीछे भी लग चुका, यहाँ पे भी लग चुका यार, और कितना पूछो। तो गाइस ये सूखने का नौबत पे आ तो चुका है, ये देख के ही फालतू लग रहा है गाइस। पूरा चांद का शेडिंग पूरा उड़ गया है उनका, और थोड़ा टेक्सचर गिर चुका है, और कुछ नहीं बेकार लग रहा है, और बीच में डॉट डॉट्स पड़ चुके हैं। उसको सुखाने को रख देते हैं, और एक मैं पोछा ला देता हूँ मारने के लिए। को रख देते हैं, मालूम नहीं सत्यानाश हुआ है कि नहीं, कमेंट में बता देना सत्यानाश हुआ है कि नहीं। तो और बोला था कि इसके ऊपर टैप टैप करने का, सुखाने के लिए टैप टैप करो, कर रहा हूँ मैं टैप टैप, देखता हूँ होता है कि नहीं। भाई कुछ अलग ही हो रहा है, तो ये तो हो गया सत्यानाश, इसका कोई मतलब नहीं रहा। अभी मैं उसे इसको फेंकने वाला हूँ।
तो ये लग रहा है इसका कोई मतलब नहीं है गाइस, इसको मत बनाओ यार, इसको मत बनाओ, पूरा सत्यानाश लग जा रहा है, मतलब नहीं है कोई इसका। इसको खरीदना ही पड़ेगा 300 रुपए का, मतलब नहीं है बना के, ये फालतू गिरी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये मैंने बहुत मेहनत से लिया था, मतलब ये जो है ऊपर का बाजू वाले लोग से मांग के, तो अब ये तो सत्यानाश हो गया, मतलब नहीं रहा इसका कुछ, अब क्या ही करूं, मतलब नहीं है। अभी मैं इसको ऑयल पेस्ट के ऊपर और फिर स्केच ड्राइंग के ऊपर मैं इसको यूज़ कर चुका हूँ पार्ट वन में, तो जाके आप देख लेना, पार्ट वन में मैं इसका यूज़ कर चुका हूँ स्केच और ऑयल पेस्टल के ऊपर, वो अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पहले पे ही, नहीं मतलब पहले पे नहीं, पहला मैं खुद का जो बोलता हूँ वो देता हूँ, और मैं सेकेंड पे मैं मटेरियल्स दे देता हूँ, थर्ड पे फोटो, उसके नीचे जाओगे तो वीडियो का सेक्शन मिल जाएगा, उसमें आप देख लेना, और नीचे जाओगे तो पूरा कंप्लीट पे चैप्टर्स का मिल जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो। तो इसका कोई तो मतलब नहीं है बेफालतू का, इसको मैं फेंकने का मन कर रहा है, इसका कोई मतलब नहीं रहा, आप क्या चेक कर रहे हो, छोड़ो। तो इसका आप लोग देख लेना, मिल जाएगा पार्ट वन का। तो इसको मैंने स्केच में भी यूज़ करके दिखाया था, तो उसमें कुछ इतना ज़्यादा अच्छा सा आया नहीं, उसका भी मेरे को टैप टैप करके हटाना पड़ा पर इसमें सॉफ्ट पेस्टल में इसका हिटिंग तो एकदम बेकार है, उस टाइम पे मेरे पास सॉफ्ट पेस्टल नहीं था इसके लिए। अगर आपको उसका अनबॉक्सिंग देना है तो वीडियो जाके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लो, और ऐसे वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करो यार प्लीज़। तो मैं आपको ड्राइंग दिखा देता हूँ, एक मिनट। हाँ तो गाइस मेरे को एक ड्राइंग मिला जिसमें मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, ये मैंने ऐसे ही मतलब और क्या वो प्रैक्टिस के लिए मैंने इसको बना लिया था, तो मैं इसको बाद में फेंक के इसको स्टार्ट करता हूँ, के सामने इसका भी कर देता हूँ स्केच है ये भी। ये मैंने मार दिया है और ड्राइंग का सत्यानाश हुआ है, पीछे पेपर में आप देख सकते हो पूरा दिख रहा है, वाट लग जाएगा पीछे वाला का, पीछे आप कुछ बना नहीं सकते हो, पीछे वाला पूरा वाट लग जाएगा। इसमें टैप टैप करके मैं देख लेता हूँ दूसरे साइड में वैसे ये हो चुका, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है यार, कि आपको एक चीज दिखाऊं, पूरा ही गिल्ला तो हो जाता है, सत्यानाश हो जाता है। इसके बाद में ये भी धीरे धीरे उछलने लगेगा और इसका वैक्स भी जाएगा नहीं, काला बीला दिखेगा, तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, इसका भी सत्यानाश हो गया है। मेरा बहुत दिमाग खटक रहा है अभी, ये दोनों का सत्यानाश हो गया देखो तो पूरा खत्म, इसका सत्यानाश। ओके तो मैं आपको हर एक बात बोलना चाहूँगा कि एक गेमिंग चैनल मैं शुरुआत करने वाला हूँ जो 1000 सब्सक्राइबर पे होगा, इस पे अगर आपने 1000 सब्सक्राइबर किया तो मैं अपना गेमिंग खुद का चैनल शुरू कर दूंगा एक नया, और आपको कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, उसमें आप देख सकते हो। ओके तो गाइज, और जिससे ये फालतू आइडिया मैंने सीखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो में मैं नीचे लिख दूंगा फालतू, बे फालतू का ये बनाने को बोला यार, दिमाग सटक गया मेरा, तो वो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इसी मतलब दिखावा के लिए है कि मैं ऐसा बना सकता हूँ होममेड, और कुछ नहीं, इसका कुछ यूज नहीं है, इसको मैं 10 में से दूंगा एक भी नहीं, क्योंकि इसका कुछ यूज़ ही नहीं है यार, ऐसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए, सब मजे सेटिस्फाइंग के लिए यूज़, और मेरा 5 रुपये का गम भी गया, तो अपना वेस्ट ना करिए कृपया करके। और अभी मैं इसको ड्राइंग के लिए भी यूज़ नहीं कर सकता, इसको धोना पड़ेगा क्योंकि बास गंदी सी आ रही है, एकदम बेकार बास आ रहा है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा पार्ट वन का भी और उसका भी, तो ये सबसे ज़्यादा स्केच के लिए हेल्पफुल तो है पर नहीं है। ओके
तो इसको मत यूज़ करना यार। ओके तो इसको मत बनाओ और एक लाइक ठोक के जाओ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसको नहीं बनाना चाहिए। बस एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब करो और ऐसे मोर वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और उसमें इतना अच्छे से दिखा रहा था जैसे कि रियल प्रिजर्वेटिव स्प्रे बन चुका है। उसमें ऐसा स्प्रे मार रहा था, यही वाला गम वाला ऐसा स्प्रे मार दिया और एकदम मतलब ऐसा दिख रहा है उसका कि आए है। ओके तो ये सब ऐसा फालतू के लिए मत बनाओ ये साला। मैं आपको ऐसा पूरा रियल प्रूफ के साथ बता दिया।